हाय गाइस, मंडे इज बैक। तो क्यों ना मंडे ब्लूज को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। आज हम बनाने वाले आइसक्रीम केक शॉट्स, जो कि बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि मंडे में मैं हमेशा मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको सिखाती हूँ, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ब्राउनी या मफिन्स, कुछ भी चॉकलेट फ्लेवर का वनीला भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट ओवर मफिन्स मेरे पास थे कुछ, जिसको मैंने अच्छे से क्रम्बल कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे हम हमारे शॉट ग्लास लेंगे, उसमें ऐड करेंगे। अब हम ले रहे हैं आइसक्रीम। आप व्हिप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं आज आइसक्रीम डाल रही हूँ इसमें। तो ये मैंने नॉर्मल वाडीलाल का वनीला आइसक्रीम लिया है, इसे हम इसमें पोर करेंगे। सेकेंड लेयर हमारा आइसक्रीम है। पूरा अच्छा सा हम एक इसे लेयर बनाएंगे। थोड़ा सा सेट करने में से प्रॉब्लम होगा, बट बहुत प्यार से इसे हम इसे दबाएंगे तो ये हल्का हल्का मेल्ट होके सेट होने लगेगा। देखिए, एक कप में तो मैंने आपको सेट करके दिखाई दिया है, दूसरे में मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है ये, इंटरेस्टिंग भी है। बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि केक और आइसक्रीम का कॉम्बो तो बेस्ट होता ही है। तो ये हमारा आइसक्रीम का लेयर पूरा अच्छे से लग चुका है। अब फटाफट से हमें इस पे न्यूटेला ऐड करना है। तो मैं एक पाइपिंग बैग लूंगी, इसमें हम डालेंगे न्यूटेला। आप बिस्कॉफ स्प्रेड, पीनट बटर, वाइट चॉकलेट गनाश, चॉकलेट ट्रफल, कुछ भी डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा न्यूटेला पसंद है, तो मैं न्यूटेला डाल रही हूँ। न्यूटेला सबको अच्छा भी बहुत लगता है। इसे हम कट करेंगे आगे से और फटाक से स्प्रिंकल करके हमें फ्रीज करना है। अब हम इसे हेजलनट के साथ गार्निश करेंगे। तो मैंने ये हाफ में कट कर दिया है। इसमें हम ऊपर एक एक हेजलनट लगाएंगे, क्योंकि न्यूटेला हमने ऐड किया ही है। और हेजलनट से बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये आप आफ्टर डिनर भी सर्व कर सकते हैं, जब घर में छोटी मोटी हमारी पार्टी होती है और एकदम से हमें डिजर्ट चाहिए होता है। तो बहुत ही सिंपल है। आइसक्रीम तो मोस्टली हम लोग रखते ही आफ्टर डिनर्स, तो ये केक के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू नेक्स्ट मंडे।